जी तो चलिए आज आपको स्किन ग्लो वाइटनिंग पोर टाइटनिंग क्रीम बनाना सिखाता हूँ मैं। बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात है कि जब मेहंदी होती है तो दूल्हा दुल्हन सब अपने ज़्यादा अपनी स्किन सबसे अच्छी रहे उनकी, वो टाइम ऐसा होता है कि जब वो इतना मेकअप या चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो नेचुरल रेमेडीज आपको बता सकते हैं। तो मैंने आपके लिए चश्मा क्रीम बनाई है, बहुत ईजी है। CHASHMA। सी से क्या है, कोई भी क्रीम आप ले लीजिए मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, लोशन फॉर्म में ले लीजिए या क्रीम फॉर्म में ले लीजिए। हनी आधा चम्मच लीजिए आप। एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात ही आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, एक चम्मच। सैफ्रॉन जिसे हम उर्दू में ज़ाफरान कहते हैं, एक पिंच, बहुत थोड़ा सा क्योंकि बहुत महंगा होता है और बहुत अच्छा भी है स्किन के लिए, ये आप लीजिए। साथ साथ हीटेड मिल्क, हीटेड मिल्क इसके थोड़ा सा गर्म पानी होगा तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। साथ साथ मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच, और आखिरी में है आमंड ऑयल। अरे डॉक्टर साहब इससे होगा क्या ये तो बताइए। इससे होगा स्किन ग्लो होगी आपकी, आपकी स्किन वाइटनिंग होगी, सबसे बड़ी बात है पोर टाइटनिंग में आपको हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फेस पे एक ऐसा ग्लो लाएगा जो आप चाहते हैं कि आपके शादी के जमाने में थ्रू आउट रहे, क्योंकि शादी के बाद भी आपको कई जगहों पर जाना होता है, यू शुड लुक गुड, ठीक है। तो काला चश्मा हो जाएगा, तो चश्मा से आपको याद रखेंगे आप लोग कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो मैं आपको बनाना दिखाता हूँ। मर्दों के लिए भी, आदमियों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, लड़कियों के लिए, दूल्हा दुल्हन कोई भी यूज कर सकते, बच्चे अगर चाहें तो उनके कजन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है और घर पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्रीम मॉइस्चराइजिंग हम लेंगे एक चम्मच, ठीक है, उसके साथ साथ हमने हनी ऐड किया है आधा चम्मच। अच्छा हनी सिर्फ आधा चम्मच ऐड कीजिएगा क्योंकि हनी से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो ये आप टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा स्पेशली कान के पीछे कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है इससे, ठीक है। साथ साथ एलोवेरा जेल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो आपको हेल्प आउट करता है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। साथ साथ सैफ्रॉन ये बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। कितनी डालनी जी, कितनी डालनी है? ये एक चम्मच डालनी है, एक चम्मच, ओके। सैफ्रॉन आप बिल्कुल थोड़ा सा लें, एक चुटकी डालिए, ठीक है। चैलेंज बेटा, बात नहीं कीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा जी, ठीक है। ये मैंने हीटेड मिल्क रखा हुआ है यहाँ पर, हीटेड मिल्क की फायदा ये होता है कि अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी आपके पास है, ये आसानी से मिल जाएगी आपको, एक चम्मच इसका ले लीजिए। और आखिरी में आप लीजिएगा आमंड ऑयल जो कि बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके विटामिन से भरपूर होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो देगा, शाइन देगा। सबसे अच्छी बात यह कि एंटी एजिंग है। इस क्रीम से अभी तक मुझे किसी भी पेशेंट को या किसी को भी कोई रिएक्शन नहीं आया है, बट स्टिल इट्स टू बी, इट्स बेटर टू बी सेव देन टू बी सॉरी। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, इसको कितनी मरतबा लगाना है, दिन में एक बार लगा ले? इसको अपनी आदत बना लीजिए, स्पेशली रात को सोते हुए आप लगाइए और लगाए रखें, ओवरनाइट रखिए इसको, क्योंकि क्रीम है पूरी आपके फेस पे बन जाएगा, एक मास्क बन जाएगा, लेकिन इसको ओवरनाइट आप लगा सकते हैं और सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। आप खुद लगाते हैं ये क्रीम? मैं इसको लगा के मैंने देखा था, मैं सारी क्रीम्स लगाता हूँ जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, फिर बताता हूँ, लेकिन ये वाली बात है कि सेंसिटिविटी का जो इशू है वो किसी में भी आ सकता है, तो एज अ डॉक्टर मैं जरूर बताऊंगा।